आज फिर से हमारी बत्ती टूटी हुई है। यह जरूर उस नटखट कान्हा की ही शरारत है। तोड़ दिया कुछ। चलो आज हम सब जाकर उसकी शिकायत यशोदा मैया से करते हैं। हाँ हाँ चलो। यशोदा मैया, यशोदा मैया। अरे ओ यशोदा मैया, क्या हुआ? देखो आपके कान्हा ने क्या किया है। आज फिर से उसने हमारी मटकी तोड़ी और सारा माखन चुरा लिया। क्या कान्हा ने माखन चुराया? परंतु वह तो प्रातः काल से यही है। कान्हा, अरे ओ कान्हा। हाँ मैया। क्या तूने इनका माखन चुराया? मैंने बस इनका माखन चुराया। आपके हाथों से बना स्वादिष्ट माखन छोड़कर मैं क्यों इनका माखन चुराने लगा? नहीं मैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी मटकी चुराई थी। सुना? क्या लादा? मैं झूठ बोल रहा हूँ। कृष्णा, तुम सब तो हमेशा ही मेरे कान्हा की शिकायत करती रहती हो। क्या हमारे घर में माखन की कोई कमी है जो मेरा लाला तुम्हारे हाथों से बना माखन चुराए? ठीक है मैया, अब तो हम तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर ही तेरे पास लाएंगे। इसके पश्चात राधा रानी और सारे गोपियों ने माखन चोर कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने हेतु एक विशेष योजना बनाई। तुमसे कहा था ना बजना मत, तुम बजे क्यों?
परंतु प्रभु शास्त्रों में आप ही ने तो कहा है कि जब भी आपको भोग लगे मेरा बचना आवश्यक है। यशोदा मैया की डाक सुनकर कृष्ण बलराम तथा सारे गोप अत्यंत निराश थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह गोपियों से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। कृष्णा, अब हमें माखन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, हमारी तो चोरी पकड़ी गई ना, उन गोपियों ने तो हमारा बुरा हाल कर दिया। नहीं मित्रों, ऐसा तुमसे किसने कहा, वो रहा हमारा माखन। रुको, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। वो क्यों भला? हम यहाँ के राजा के प्रतिनिधि हैं। हमारे राजा को यह खबर मिली है कि कई लोग बिना कर चुकाए हमारे गांव में स्वयं के गांव का सामान बेच रहे हैं। तो यदि तुम्हें यहाँ से प्रवेश करना है तो तुम्हें यहाँ का कर चुकाना ही पड़ेगा। परंतु हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं तो तुम्हें यहाँ प्रवेश भी नहीं मिलेगा। परंतु अगर हमें यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा तो हमारे माखन का क्या होगा? माखन? अच्छा, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो ये माखन कहाँ से आया? माखन? नहीं नहीं, हम तुम्हें माखन नहीं दे सकते। नहीं दे सकते तो हम तुम्हें प्रवेश भी नहीं दे सकते। सखाओं ने माखन प्राप्त करने की नई योजना बनाई। परंतु उस ओर राधा रानी और उनकी गोपियों ने अपनी अलग ही योजना बना रखी थी। वाह कृष्णा, अब तो हमारे रोज के माखन का प्रबंध हो गया। कृष्णा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। रुको मधुमंगल, माखन आता ही होगा। वो रहा माखन। आज तो केवल दो ही गोपियां हैं, परंतु माखन तो काफी सारा दिख रहा है। चलो चलो। वृंदावन की रानी है श्रीमती राधा रानी।